गुड मॉर्निंग राइटर, मैं आपका वेलकम है। आज हम बात करते हैं फूड टाइमिंग या मील की जो टाइमिंग होती है और फूड सर्विंग। देखिए, दो कॉमन चीज़ें हैं। फूड टाइमिंग हमें क्या रखना चाहिए, हमें अपना मील कब कब लेना चाहिए, टाइमिंग सेट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है हमें कितनी सर्विंग लेनी चाहिए, कितने ग्राम्स आपको फूड इनटेक करना चाहिए या एमल। अब बात करते हैं सबसे पहले टाइमिंग की। देखिए, सबसे पहले हम सुबह फ्रेश उठते हैं तो हमें सबसे पहले 6 से 6:30 के बीच में हमें लिक्विड डाइट ले लेनी चाहिए। लिक्विड डाइट में जैसे आप गर्म पानी पी सकते हो, सिंपल पानी पी सकते हो, और आप कोई भी ग्रीन टी ले सकते हो या टी ले सकते हो विदाउट शुगर। ये आप 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में ले सकते हो अर्ली मॉर्निंग। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट जो है आपका वो अच्छी कैलोरी वाला होना चाहिए, काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट होना चाहिए जिसमें आपका लिक्विड भी हो, स्नैक्स भी हो, ये सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। ये टाइमिंग रहेगा आपका 8 बजे से 9 बजे के बीच में आपको ब्रेकफास्ट ले लेना है। फिर आता है मिड मॉर्निंग। मिड मॉर्निंग आता है 10 बजे से 11 बजे के बीच में। 10 से 11 के बीच में आपको कोई भी लिक्विड लेना है या एनी फ्रूट ले सकते हो। फिर आता है लंच। लंच आप 12:30 से 1:30 बजे तक ले सकते हो। यही टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। इसमें आप दाल, रोटी, चपाती, सलाद सब कुछ ले सकते हो। अब आता है इवनिंग का टाइम। इवनिंग 4 बजे से 5 बजे, इसमें आप कोई भी लिक्विड और कोई फ्रूट्स ले सकते हो या फिर कोई वेजिटेबल चाट वगैरह ले सकते हो। अब बात करते हैं डिनर की। डिनर 7:30 बजे से लास्ट में नहीं लेना चाहिए। 7:30 बजे से पहले पहले आपको डिनर ले लेना है। और डिनर की जो कैलोरी है वो 200 से 250 तक होनी चाहिए, कैलोरी कम होनी चाहिए। उसमें कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए, वेजिटेबल और फ्रूट्स ज़्यादा होने चाहिए। अगर आप फ्रूट्स नहीं लेते हो तो वेजिटेबल लो या सैलेड या सब्जी की फॉर्म में। दूसरा, लस्सी, कर्ड वगैरह जो भी आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो लंच में। तो कैलोरी मैंने आपको बता दी है। अब उसके बाद में आता है इवनिंग में, सबसे लास्ट में, नाइट में सिर्फ मिल्क, जो आप मिल्क लेते हैं, कोई टी भी लेता है, मिल्क भी लेता है, तो वो आपको 10 बजे से पहले ले लेना है। अब बात करते हैं आपका जो है सर्विंग की। सबसे पहले बात करते हैं सर्विंग में स्पून की, कि जब हम फॉर एग्जांपल मुझसे पेशेंट पूछते हैं कि मैम एक चम्मच में कितना ग्राम घी होगा, तो एक चम्मच में नियर अबाउट 6 ग्राम जो होता है घी होता है या ऑयल होता है। और अगर बिग वाले स्पून की बात करें तो उसमें लगभग 10 से 15 ग्राम तक आपका घी हो सकता है। अब बात करते हैं सलाद कितनी खानी है। देखिए, सलाद आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग खानी होती है। फॉर एग्जांपल हमने सभी जो सलाद जो होती है वो कट कर ली और प्लेट में रख के और दोनों मुट्ठियों से ऐसे उठाना है। ये उठाने के बाद जितना आपकी मुट्ठियों में सलाद आई है, सैलेड जो आई है, वो आपकी बॉडी के लिए सफिशेंट है। जो आप प्लेट में बच गई वो आपको नहीं खानी है, ये इतनी क्वांटिटी में आपको खानी है। अब बात करते हैं, ये ट्रिक है आपकी बॉडी को कितना सैलेड की रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि टी कितनी लेनी चाहिए, कितने एम एल। जैसे 1 कप टी होती है तो 1 कप टी में आपको 5 से 10 ml तक ही सफिशेंट टी लेनी होती है। एक एक गिलास चाय नहीं होती है तो वो ज़्यादा हो जाती है। अगर गिलास की बात करते हैं तो उसमें 100 ml से 150 ml तक होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। डाइट तक, बाय बाय।